नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, जिस तरह हमारा देश महामारी से गुजरा है, ऐसे में लोगों के मन में शंका, भय, निराशा, क्रोध और कई तरह की मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दोस्तों, भय और क्रोध हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम का संतुलन बिगड़ने से जल्दी से रोग लग जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में किस तरह हम हनुमान चालीसा का पाठ करके फायदा ले सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा हनुमान चालीसा के वो रहस्य जो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, हनुमान चालीसा के फायदे जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करके हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना हमारी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होना है, हमारा मनोबल बढ़ता है। जिस तरह से लॉकडाउन में दीप जलाना, घंटी बजाना, ताली बजाना, ये सभी करा गया था, इसकी वजह दोस्तों यही है कि रोशनी करना, दीप जलाना, ये सभी व्यक्ति के निराश के अंधेरे से निकालकर मनोबल को बढ़ाने वाले ही उपाय हैं। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा की एक और पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाई मन में अकारण भय को समाप्त कर देता है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बहुत ही मददगार होता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक और पंक्ति है, ना से रोग हरत सपीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दोस्तों, ऐसी एक और पंक्ति है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। यानी कि किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का जाप करते रहें, हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। कैसे भी कलेश हो, अर्थात कष्ट हो, वह समाप्त हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास की ताकत होती है। मतलब ये कि दवा के साथ दुआ भी करें, हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट आया हो, प्राणों पर यदि संकट आ गया हो, तो ये पंक्ति पढ़ें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। ये आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार कर देगा। कहते हैं कि यदि नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी शोक का हो, हनुमान चालीसा का में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छोटी बंदी मां सुख होए। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चित रहने के लिए जीवन में सकारात्मक की जरूरत होती है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। गिरह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उसके बुरे असर होता है तो उस गिरह से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज़्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़ों का सिकुड़ना, सांस में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग होना। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ जाए तो ये ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कलह है तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे उन्होंने शारीरिक और मानसिक रोग खेल लेते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति की स्थापना होती है, कलह मिटता है और घर में खुशी का माहौल बनता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः बुराइयों से दूर होते चले जाएंगे, जैसे कि नशा करना, पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखना, क्रोध करना, लोभ, ईर्ष्या जैसे काम बिल्कुल मतलब दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति हर तरह की बुराइयों से दूर रहेगा ना, तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत भी सुधरने लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थे बहुत ही हनुमान चालीसा के फायदे, जो दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में नहीं बता सकता। हनुमान चालीसा के और भी कई फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊँगा।
तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।